हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? फ्रेंड, आज मैं आपको दिखाऊंगा ये वाले रिंग को एसटीएल बना के, मैजिक में ये एसटीएल बना के दिखाऊंगा कि एसटीएल बनाने का सही तरीका क्या है। एसटीएल बनाने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, डबल शार्फेस हो जाता है, बहुत सारा नेकेड एज रहता है, होल्स रहता है, तो बहुत परेशानी होता है। आप अगर प्रॉपर तरीका सीख लोगे तो कैसे करता है स्टील, तो आपको बहुत आसान होगा। तो फॉलो कीजिए, देखते जाइए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता जा रहा हूँ। पहले तो ये जो मेरा डिज़ाइन है, इसका जो स्टोन है, स्टोन को मैं हाइड कर दूँगा, स्टोन को हाइड कर दूँगा, और जो ये पर्ल है, पर्ल को मैं इसको भी हाइड कर दूँगा, और इसको भी हाइड कर दिया। ये जो अब मेरा रिंग है, जो मेटल पार्ट है, सिर्फ वही अभी रह गया है, बाकी का सब मैंने हाइड कर दिया है। तो इसको मैं अभी एसटीएल बनाऊंगा, ये पूरा इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप इधर आ जाइए, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड में, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड में जाके आप अपने लोकेशन देख लीजिए। मैं डेस्कटॉप में इसको सेव कर लेता हूँ, आज का डेट डाल देता हूँ, डेट डाल के सेव कर लेता हूँ। तो इसको पहले मैं सेव करता हूँ ताकि फाइल मिसिंग ना हो जाए। उसके बाद एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड में जाके ये देखिए 28 के नाम से ये सेव हो गया है मेरा ऑलरेडी। तो ये मैं इसको अभी एसटीएल फॉर्मेट, ये जो है ना स्टीरियोग्राफी फॉर्मेट में, इसमें एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसमें अब मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। ये ही पैरामीटर रहने दीजिएगा, 0.001, ओके कर दीजिए। आपका मशीन में ये बनना चालू हो गया, एसटीएल बन रहा है। अभी 2-1 सेकेंड लगेगा एसटीएल बनने में। लीजिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया एसटीएल फाइल। अब मैं चला जाऊंगा मेरे यहाँ पे, जहाँ पे मैंने सेव किया है डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप में इधर 28 28, इसमें सेव कर लिया। ओपन ओपन विथ मैजिक्स, मैजिक्स में हम ओपन कर रहे हैं इसे। अब देखते हैं कौन सा बैड सरफेस या नेकेड एज वगैरह कुछ है तो शो करेगा मैजिक। देखिए, ये वाले रिंग्स में ना, अभी मेरा ये जो लाल लाल रेड कलर का जो पार्ट दिख रहा है ना, तो ये बैड सरफेस है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, या तो सॉलिड नहीं है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे होता है तो इसमें ये प्रिंटर में काम नहीं करता है, इसको फिक्स करना पड़ता है। तो इसको सबसे पहले आप दीजिए कंट्रोल टी, कंट्रोल टी देने के बाद बिल्कुल यही पैरामीटर रखिएगा, इसको ओके कर दीजिए। इसको इससे क्या होता है, आपका जो फाइल है वो थोड़ा लाइट वेट हो जाता है। ये करते रहिए, ये 1-2 सेकंड लेगा आपका। ये मेरा हो गया कंप्लीट। ये देखिए, यहाँ पे नेकेड एज भी है, ये बैड सरफेस भी है, ये सब जो येलो कलर का दिखा रहा है ना, तो ये सब बैड पार्ट है। ये सब इसको हटाना है, इसको वन सेल बनाना है। ये अभी बहुत सारा आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारा सेल में ये डिवाइड है, तो इसको मेरे को एक सेल में लाना है। उसके लिए मुझे सबसे पहले होल्स में जाता हूँ, होल्स में जाके ऑटोमेटिक फिक्सिंग ये ऑप्शन चूज़ करूँगा मैं, ऑटोमेटिक फिक्सिंग। उसके बाद देखते हैं ऑटोमेटिक फिक्सिंग होता है कि नहीं होता है। ये नहीं हो रहा है, ये इसमें नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ से बेसिक में जाके, सेल्स में जाके, पहले ये रेड कलर को सेल्स में मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कंट्रोल एफ दबा के होल्स में जाऊँगा, ऑटोमेटिक फिक्सिंग। ऑटोमेटिक फिक्सिंग नहीं ले रहा है, नहीं हो रहा है। तो फिल होल, ये जो ऑप्शन है ना, ये लूँगा और ये इसको दबाऊँगा, क्लिक करूँगा और एंटर को क्लिक करूँगा। तो ये देखिए, ये मेरा सिलेक्शन हो गया,
ये अपडेट अपडेट में ज़ीरो दिखा रहा है, तो अभी मैं अपडेट करके देखता हूँ। अच्छा, इतना सारा बैड सेल्स है। ऑटो फिक्सिंग लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये ले रहा है ऑटो फिक्सिंग ले रहा है। इसमें 2-1 सेकेंड का टाइम लगता है। ये लीजिए, 89% 100% हो गया। देखिए, जितना भी बैड सेल्स था ना, जिसका वॉल्यूम 0-0 था, वो सब निकल गया, ऑटोमेटिक निकल गया। ये मैजिक सॉफ्टवेयर बहुत मैजिकल सॉफ्टवेयर है। ये इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है, एकदम ये खुद से सब कुछ कर लेता है। देखिए, अब जो मेरा सेल है ना, ये 1 सेल में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए, ये प्रॉपर 1 सेल में बन चुका है मेरा। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ मेरा वो सेम लोकेशन में। देखिए, STL फाइल ही रहेगा इसका फॉर्मेट। अब सेव, रिपीट, यस, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक।